रिक्शा, चल चल, जल्दी चल। चल क्या गाड़ी चला रहा है इतना स्लो चला जल्दी ले एक मिनट रुको रुको क्यों वो आदमी ऑटो से निकल चुका सिद्धार्थ वो देखो वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ ले ले ए स्पीड स्पीड में ले मोड़ो ना गाड़ी मैं इंस्पेक्टर को बताती हूँ हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब आप गलत ऑटो को फॉलो कर रहे हैं वो निकल के दूसरा ऑटो लेके पीछे मुड़ गया है हाँ हाँ हम उसे फॉलो कर रहे हैं आप भी आइए जी 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 ओके थोड़ा हाँ बेबी मुझे पैसे मिल गए और मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंचने वाली हूँ राजवीर एक बात बोलूं I just can't wait कि हम लोग कब यूरोप शिफ्ट होंगे और कब हमारी नई जिंदगी शुरू होगी सिर्फ मैं और तुम और कोई भी नहीं शाबाश बेबी I'm so proud of you अब एक काम करो जल्दी पैसे लेकर ना यहाँ आ जाओ ताकि मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले सकूं और उसके बाद हम दोनों इस मतलबी और बेकार दुनिया से ना कहीं बहुत दूर चले जाएंगे बस जल्दी आओ ताकि तुम्हारा नया सफर शुरू हो सके या आई लव यू बेबी लव यू टू बेबी बाय सी यू बिठाओ उसे बांध रस्सी मेरी महबूबा आ रही आने तो दो से जिस रस्सी से रोशनी को बांधा है ना उसी रस्सी से उसे मौत के घाट उतार और उसकी लाश इसी किले में कहीं दफनाऊंगा ताकि वो कभी किसी के हाथ ना सके जिसे बांधा है उसे कैसे खत्म करेंगे उसका हिसाब भी मैं चुकता कर दूंगा अबे साले तू क्यों मुझे फोन कर रहा है सर मैं आपके नजदीकी हूं दिमाग खराब हो गया क्या तेरा यहां क्या कर रहा है तू तो जेल में था ना मैं पुलिस को चकमा दिया और वहां से भाग गया भाई मैं कोर्ट के पास ही हूँ मुझे कुछ पैसे की जरूरत है ताकि मैं यहाँ से बाहर भाग सकूँ जो सड़ा मरवाएगा मुझे अबे ढक्कन तू पुलिस को चकमा देकर नहीं आया पुलिस ने तुझे जान बुझ के छोड़ा ताकि वो तेरे जरिए ना मुझ तक पहुंच सके फटाफट निकल यहाँ से निकल ए भाई यू टर्न ले जाके उस रोशनी को लेकर आओ प्लान चेंज हो गया अभी हमें यहां से निकलना होगा पुलिस यहां किसी वक्त आती हूं फटाफट जाओ ये रोको भाई रोको सिद्धार्थ रुक
सिद्धार्थ वो गाड़ी मोड़कर चला गया है, हम उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे? नहीं 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 सासु बाब, यहाँ अलग चक्कर चल रहा है। मुझे पूरा यकीन है राजवीर ने इसे फोन करके कहा होगा कि हम लोग इसके पीछे हैं। वो यहाँ से भाग रहा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राजवीर यहीं कहीं है, हमें यहीं रुकना चाहिए। सासु बाब, आप बाहर रुकिए। अगर राजवीर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो हमें पता रहना चाहिए। मैं अंदर जा रहा हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी उस राजवीर ने कुछ कर ना दिया हो, प्लीज उसकी रक्षा कर। गॉड प्लीज। अबे लड़की कहाँ गई? चलो एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता, अब खड़े खड़े मुंह के देखने जाके ढूंढो उसे। अगर बॉस की सीट को मिल गई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, उसे ढूंढना ही होगा। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ जाओ। हम जाओ, उधर जाओ। कहाँ ढूंढूं रोशनी को? चिल्ला भी नहीं सकता। अगर राजवीर ने सुन लिया, उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ, तो कहीं वो रोशनी को। रोशनी, राजवीर छोड़ दो मेरी बेटी को। अकड़ नहीं गई तेरी डीडी? बंदूक तान रखी है तेरी बेटी पर, फिर भी तू मुझे धमका रही है। खोक दे उसे। नहीं नहीं प्लीज 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 उसे कुछ मत कर। रुक, बहुत हुआ तेरा तमाशा। हाँ, अगर तूने मुझे जाने नहीं दिया ना तो अपनी बेटी का मरा हुआ मुंह देखेगी। चल चलो।
जाइए यहाँ से। तुम बहुत को लेकर जाइए यहाँ से। मैं सिद्धार्थ के बिना नहीं जाऊंगी। अगर वो कुछ कह रहा है उसकी बात सुनो, उसका भी रोशनी बहुत हुआ बस सेठ, बहुत हुआ। अब अगर तूने मेरी बात नहीं मानी मैं रोशनी को यहाँ से धक्का दे दूंगा। रजवीर, वहां मैंने इसका हाथ छोड़ा और वहां ये नीचे, और हमेशा हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से बाहर, समझा? रजवीर देख, ये तेरे और मेरे बीच की बात है, छोड़ दे रोशनी को, उसे जाने दे। प्यार होती ही बड़ी कुत्ती चीज है सिद्धार्थ, इसलिए आज तक मैंने किसी से प्यार नहीं किया। वैसे कितनी अजीब बात है ना, तुमने एक दूसरे के लिए डिवोर्स फाइल किया और यहाँ एक दूसरे पर मरने मिटने के लिए तैयार, लेकिन तू चाहे कुछ भी कर ले रोशनी को तू आज नहीं बचा पाएगा। राजवीर तू कितना कमीना, कितना डरपोक है, खुद को बचाने के लिए एक औरत का सहारा लेते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे अगर हिम्मत है तो आ, आ और लड़ मुझसे, लड़ आ। अबे चुप, छोड़ दे राजवीर। सासु माम नहीं, नहीं सासु माम रोशनी है उसके पास। छोड़ दो रोशनी को राजवीर, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। छोड़ दूं? बंदूक हाथ में ले लेने से कोई शिकारी नहीं बन जाता। डीडी तू क्या चलाएगी गोली? तू एक कमजोर और एक डरपोक औरत है, हिम्मत है तो चला गोली, चला। बस एक औरत एक माँ भी होती है, एक माँ को कभी चैलेंज मत करना। तेरा टाइम खत्म हुआ राजवीर, आज यही किसी जगह पर तेरा इंसाफ होगा। एक माँ का इंसाफ उसकी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए। Rossi!
रिश्तेदार। रोशनी मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है, कुछ नहीं होगा रोशनी, कम ऑन अप। ध्यान से। रोशनी नहीं 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 रोशनी, नीचे मत देखो, नीचे कुछ नहीं है, यहाँ देखो रोशनी, यहाँ देखो मेरी आंखों में देखो रोशनी, कम ऑन रोशनी। ये सब कैसे हो? इस औरत ने मारा मेरे राजवीर को। कौन है ये? क्या है सत्य सिद्धार्थ साहब? जी इंस्पेक्टर साहब, ये गोली मेरे हाथों चली। मॉम नो, नो। देखिए, गोली इनके हाथ से चली जरूर है, लेकिन किस हालत में चली है, किन सूरतों में चली है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर ये गोली नहीं चलाती तो ये आदमी उनकी बेटी को, रोशनी को जान से मार देता। झूठे हैं सब, सबके सब झूठ बोल रहे हैं ये। राजवीर ऐसा हो ही नहीं सकता। और तू चुप रह सिद्धार्थ, तुझे पहले से ही प्रॉब्लम थी मुझसे और राजवीर से। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुझे पहले दिन से प्रॉब्लम थी मुझसे और राजवीर से। आज इसे मार के तुमने प्रूव कर दिया। मार दिया मेरे राज। ऐसा नहीं है कृतिका। चुप! एकदम चुप! रोशनी! डोरे! तुझे मार दूंगी। सॉरी मॉम, हमें आपको हिरासत में लेना। नो, नहीं। क्यों? क्या किया मेरी बहन? अपनी बेटी को बचाया है। उस दरिंदे से आपको पता है वो कितना बड़ा क्रिमिनल था? कानून का अपना तरीका होता है। अगर मैं बेगुनाह हूँ तो ये लोग मुझे छोड़ दें। मॉम नो। एक मिनट। रेनी सॉरी, लेकिन शायद सबके लिए यही सही है। तूने मारा है ना मेरे राजवीर को, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। लेकर जाओ इसे, विक्टर लेकर जाओ। ले चलो इन्हें। नो, नहीं, सिद्धार्थ प्लीज रोको। मेरी मम्मी कुछ नहीं किया। सिद्धार्थ प्लीज बोलो।